अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो अब हम सेकंड फ्लाइट के लिए रवाना हो चुके हैं, जो कि है दोहा से इस्लामाबाद तक। तो हमारा सफ़र काफ़ी लंबा हो चुका है, एक पूरा दिन हमें लग गया। तो मैंने अंदर अंदर छोटे छोटे क्लिप्स भी मैंने कोशिश की कि मैं करूँ जो फ़्लाइट लैंड होती है या फ्लाई होती है तो उस टाइम, बट रात का टाइम था, फुल नाइट हमारी था फ़्लाइट का टाइम, इस वजह से शूट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि वो शो ही नहीं हो रहा था इतना कुछ फ़्लाइट ना होने की वजह से। और दूसरा कि मैं आप लोगों को खाने का भी थोड़ा बहुत दिखाऊंगी साथ साथ, के अंदर कौन सा खाना मिला था, और बाद में बाकी चीज़ें भी आपको डिटेल से बताती रहूँगी। तो आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहो, मज़े करते रहो। ये थोड़ा थोड़ा बहुत मैंने ना शूट करने की कोशिश की कि बाहर का व्यू नज़र आ जाए और ना जहाज़ के थोड़े से पर नज़र आ जाए, बट मेरी कोशिश थोड़ी सी नाकाम रही। अब खाने की वीडियो भी मैं ऐड करूँगी इंशाल्लाह। हमारे पास आज का है खाना, अब हम इसको करेंगे ओपन। इट्स अ फिश एंड सम राइस। ये है ब्रेड, ऑरेंज जूस, ये मीठे में खाने में कुछ। मैंने जितना हो सका शूट करने की ट्राई की, बट इतना लंबा ट्रैवल था जिसकी वजह से मैं टायर्ड, क्या सुपर सुपर टायर्ड हो चुकी थी, तो इस वजह से हिम्मत नहीं थी इतना ज़्यादा शूट करने की। तो मैंने जितना हो सके किया, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। हमारी ना कतर की फ़्लाइट थी, दोनों हमने किया ना सफ़र, तो अच्छी थी। PIA वाले से आई थिंक अच्छी थी वो वाली फ़्लाइट ना, और खाना वगैरह भी अच्छा था उनका, सब सही था, मुझे अच्छा लगा। लोग इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और इस टाइम 3 बजने वाले हैं। कहाँ हम कल 1 बजे से हम लोग चले हुए हैं। अब हम अपना लगेज लेंगे, तो हम अपने लगेज का कर रहे हैं वेट, देखते हैं कब तक आता है। चुकी है हमारी ट्रॉली, हमने बैकपैक भी ऊपर रख लिया है यहाँ पर। अब बैग का हो रहा है वेट। 2 साल बाद पाकिस्तान, अस्सलामुअलैकुम। इतना अच्छा लग रहा है पाकिस्तान की हवा, आए हाय हाय, इतनी खुशबू आ रही है पाकिस्तान की फिजाओं से, है ना। कैसे बैग घूमी जा रहे हैं। अब आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कब पहुँचे। हम लोग इतना लेट था हो गया था क्योंकि हमारा लगेज ही नहीं आ रहा। 3 घंटे हम लोगों ने लगेज का वेट किया, उसके बाद हम होटल के लिए निकल गए। हम लोगों ने होटल में स्टे किया, हमने कहा एबटाबाद भी जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। तो इस वजह से जो नेक्स्ट पार्ट आएगा ना इंशाल्लाह, एबटाबाद का एक ज़बरदस्त व्यू आएगा, उसी की सारी वीडियोज़ होंगे। आपको पता है एबटाबाद वाली साइड कितनी प्यारी है, तो वो सारा मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। ओके, बाय बाय, टेक केयर।